नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका किंग्सवे के एक नए वीडियो के अंदर, जहां हम आपको जयपुर के अंदर लग्जरी और प्रीमियम सेगमेंट की प्रॉपर्टीज़ के वीडियो यहां पे दिखाते रहते हैं। आज मैं यहां पे आया हूं, लोकेशन के बारे में बात करेंगे। पहले मैं सामने की तरफ से एक बार फ्रंट एलिवेशन आपको दिखा देता हूं विला का। बहुत ही ज़बरदस्त फ्रंट एलिवेशन आपको यहां पे देखने को मिल जाएगा। लोकेशन की अगर मैं बात करूं तो वैशाली स्टेट के अंदर ये स्थित है। अगर मैं पुलिया से अगर मैं बात करूं, वैशाली नगर वाली पुलिया से बात करूं, तो लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पे आपको ये पड़ जाता है। क्लब थ्रू अगर बिल्डिंग आपने देखी होगी, जो हाई राइज बिल्डिंग है, उसके बिल्कुल समीप आपको ये देखने को मिल जाएगा। तो जैसा कि सामने की तरफ देख रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे बना हुआ। डायमेंशन की अपन बात करेंगे, प्राइस की अपन बात करेंगे, विला का अपन टूर करेंगे। वीडियो थोड़ा बड़ा होने वाला है तो वीडियो में बने रहिए, साथ साथ कमेंट करके जरूर बताइए कि ये विला आपको कैसा लगा, प्राइस के अंदर कैसा लगा, साथ साथ में इसका जो बना हुआ है ये कैसे अरेंज करके इसको बना रखा है, वो सब के बारे में एक बार कमेंट करके जरूर बताइए। साथ साथ वीडियो को लाइक जरूर करिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट और करूँगा आपसे, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे, क्योंकि हम ऐसी लग्जरी और प्रीमियम सेगमेंट की प्रॉपर्टीज़ की वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। साथ साथ में आप हमारे दूसरे चैनल को भी चेकआउट कर सकते हैं, ARG ब्रिक्स के नाम से दूसरा चैनल है, वहाँ पर हम अफोर्डेबल और लग्जरी दोनों के वीडियो वहाँ पर आपके लिए लाते रहते हैं। तो जैसे मैं डायमेंशन की अगर मैं बात करूँ तो 20x60 का डायमेंशन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो चूंकि 20x60 का डायमेंशन है, फ्रंट आपको 20 का मिल जाता है, तो बहुत ही बड़ा फ्रंट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो आइए कैमरामैन जी एक बार हम एंटर करते हैं यहाँ पे, देखते हैं। तो यहाँ पे आपको आयरन के गेट मिल जाते हैं, जो बहुत ही मजबूत गेट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो जैसे अपन एंटर करते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छा एक पार्किंग का स्पेस देखने को मिल जाता है। इधर की तरफ आप आराम से इजीली अपनी सेडान कार बड़े अच्छे तरीके से आप यहाँ पे पार्क कर सकते हैं। साथ साथ में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको ब्लॉक्स वगैरह लगा के पूरी पार्किंग को एकदम बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया। इधर की तरफ अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे भी आपको एक स्पेस मिल जाता है, जिसमें कि आप अपनी बाइक वगैरह खड़ी कर सकते हैं, या फिर अपन किसी प्रकार के गार्डन वगैरह, जैसे भी अभी पेड़ पौधे लगे हैं वैसे आप डेवलप इसको कर सकते हैं। तो फ्रंट का बहुत बड़ा एडवांटेज है इसके अंदर। तो यहाँ से आपको एंट्री मिल जाती है। एंट्री के अंदर अपन जैसे ही अंदर की तरफ आएंगे तो यहाँ पे आपको मेन गेट आपको देखने को मिल जाता है, जो कि वुडन का बहुत अच्छा फ्रेम यहाँ पे लगा के, सनमाइका वगैरह लगा के बहुत अच्छा डिज़ाइन इसका किया गया है। आइए कैमरामैन जी, फिर यहाँ पे हम देखते हैं तो यहाँ पे आपको ड्राइंग एरिया का स्पेस मिल जाता है, जो कि बिल्कुल सेपरेट रखा गया है डाइनिंग ड्राइंग एरिया से, बिल्कुल एकदम सेपरेट इसको रखा गया है, जिसमें कि आपके कोई भी गेस्ट वगैरह आते हैं तो आप यहाँ पे सेपरेटली इसको यूज़ कर सकते हैं। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे बहुत अच्छा सिटिंग अरेंजमेंट यहाँ पे किया गया। सोफा वगैरह का लुक की अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे बनाया गया है। साथ साथ में सामने की तरफ एक बार हाईलाइट करके दिखा दीजिए कैमरामैन जी, बहुत ही ज़बरदस्त डिज़ाइन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ऊपर अगर मैं बात करूँ फॉल सीलिंग की डिज़ाइन की, तो वो भी बहुत ज़बरदस्त आपको फॉल सीलिंग की डिज़ाइन यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। एक बार कैमरा मैन जी हाईलाइट कर दीजिए फॉल सीलिंग की डिज़ाइन। इधर की तरफ हम देखते हैं तो यहाँ पे आपको विंडो, बाहर की तरफ यहाँ पे विंडो मिल जाएगा। साथ साथ में अगर मैं यहाँ कर्टन्स वगैरह की बात करूँ तो बहुत ही ज़बरदस्त लुक के यहाँ पे कर्टन्स वगैरह आपको देखने को मिल जाते हैं। एक चीज़ मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूँगा, पूरे जो विला के अंदर जो चीज़ है मैं हाईलाइट यहाँ पे करना चाहूँगा, AC की जो फिटिंग है उसके एक बार आप यहाँ पे हाईलाइट कर दीजिए। AC की फिटिंग को बिल्कुल कवर्ड यहाँ पे किया गया, जिससे कि आपके पाइपलाइन वगैरह यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं दिखने वाली। अगर आप AC नहीं लगवाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको बिल्कुल भी ऑकवर्ड यहाँ पे फील नहीं होने वाला है AC की पाइपलाइन की वजह से। तो हम जैसे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं यहाँ पे विला के अंदर, तो यहाँ पे आपको एक वॉशरूम देखने को मिल जाता है, पाउडर रूम की तरह यहाँ पे डेवलप किया गया है। इसमें अगर मैं बात करूँ टाइल्स वगैरह की, अगर फिटिंग वगैरह की बात करूँ तो बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी की, जगुआर जैसी कंपनी की आपको फिटिंग देखने को मिल जाती है। वेंटिलेशन के लिए भी इसमें प्रॉपर प्रोविजन आपको देखने को मिल जाता है। फिर विला में अपन थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे इधर की तरफ, तो यहाँ पे आपको सेपरेटली डाइनिंग एरिया का स्पेस मिल जाता है। डाइनिंग एरिया के स्पेस की बात करूँ तो बहुत अच्छा डाइनिंग एरिया का स्पेस यहाँ पे दिया गया। सिटिंग अरेंजमेंट की अगर मैं बात करूँ तो 6 कुर्सी यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट के लिए यहाँ पे दी गई है, बहुत अच्छा स्पेस यहाँ पे निकाला गया। साथ साथ में अगर मैं डिज़ाइन की बात करूँ, मैं जैसे डाइनिंग टेबल की डिज़ाइन और चेयर्स की डिज़ाइन की बात करूँ तो बहुत ही ज़बरदस्त आपको डिज़ाइन यहाँ पे देखने को मिल जाती है। फिर इधर की तरफ देखते हैं तो यहाँ पे फैमिली लॉन्च के लिए आपको बहुत अच्छा एक स्पेस मिल जाता है, जहाँ सोफा लगा के बहुत अच्छा अरेंजमेंट यहाँ पे किया गया। अगर मैं लुक की बात करूँ तो बहुत ही ज़बरदस्त लुक यहाँ पे दिया गया। साथ साथ में सामने की तरफ जो सीनरी वगैरह लगाई गई है, बहुत ही ज़बरदस्त लुक आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। साथ साथ में एक बार फॉल सीलिंग का डिज़ाइन एक बार हाईलाइट कर दीजिए कैमरामैन जी, ज़बरदस्त फॉल सीलिंग का डिज़ाइन भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। लैंप वगैरह जो मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त लुक यहाँ पे लैंप का आपको देखने को मिल जाता है। एक लैंप वाली जो चीज़ है मैं यहाँ पे आपको हाईलाइट करूंगा आगे वीडियो में, बहुत ही ज़बरदस्त एक चीज़ आपको दिखाने वाला हूँ मैं। फिर इधर सामने की तरफ यहाँ देखते हैं तो यहाँ पे आपको स्टेयर्स के नीचे की तरफ यहाँ पे आपको टीवी पैनल मिल जाता है, जिसमें आप देख पा रहे हैं कितना बड़ा टीवी यहाँ पे लगाया हुआ है। बहुत ही अच्छा पूरा इसको यूज़ यहाँ पे किया गया है, नीचे जो स्टेयर्स के नीचे जो जगह दी गई है पूरी यहाँ पे यूज़ की गई है। साथ साथ में इधर की तरफ देखता हूँ तो यहाँ पे भी आपको बिल्कुल यहाँ पे आप पुश करेंगे, पुश करते यहाँ पे ओपन हो जाएगा, यहाँ पे आपको एक एरिया मिल जाएगा जिसमें आप स्टोर कुछ कर सकते हैं अपना सामान वगैरह। तो ये भी एक बहुत अच्छा यूजेबल एरिया आपके लिए यहाँ पे दिया गया है।
टीवी पैनल की अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही अच्छे साइज में यहाँ पे टीवी पैनल आपको देखने को मिल जाता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कितना बड़ा टीवी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इधर की तरफ देखूँ तो यहाँ पे भी एक बहुत अच्छा डिज़ाइन, यहाँ पे क्या क्रोकरी सामान वगैरह आप यहाँ रख सकते हैं। बहुत अच्छा यहाँ पे वुडन का काम करके बहुत ज़बरदस्त लुक यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। तो जैसे कि मैंने बताया था यहाँ पे डुप्लेक्स का अपन टूर करने वाले हैं। 3 बेडरूम इसके अंदर है, 2 बेडरूम ऊपर बने हुए, 1 बेडरूम नीचे बना हुआ। साथ साथ मैं छत का भी मैं आपको टूर करूँगा क्योंकि छत पे भी यहाँ पे गार्डन डेवलप किया गया है। मैंने आपको शुरू में बताया था वीडियो थोड़ा बड़ा होने वाला, तो वीडियो पे आप कंटिन्यू बने रहिए। तो आइए कैमरामैन जी अपन देखते हैं जो नीचे एक बेडरूम बना हुआ। बेडरूम की अगर मैं साइज की बात करूँ तो बेडरूम की साइज़ यहाँ पे आपको मिल जाती है लगभग 14x13 के आसपास की आपको साइज़ मिल जाती है, जो कि बहुत अच्छे साइज़ में यहाँ पे दिया गया। पूरा किंग साइज़ बेड यहाँ पे लगा हुआ है। उसके बाद में दोनों तरफ आपको जगह देखने को मिल जाती है। सामने की तरफ मैं बात करूँ तो बहुत ही ज़बरदस्त लुक आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। पीछे की तरफ वुडन का बहुत अच्छा काम किया गया है। साथ साथ में एक बार लैंप को थोड़ा हाईलाइट कीजिए कैमरामैन जी, दोनों तरफ जो लैंप लगे हुए हैं बहुत ही अच्छा डिज़ाइन यहाँ पे किया गया है। डिसेंट डिज़ाइन जिसको बोल सकते हैं आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। साथ साथ में जैसे मैंने आपको बताया था एसी फिटिंग को बिल्कुल कवर्ड किया गया है। इधर की तरफ कैमरामैन जी दिखा दीजिए, एसी फिटिंग बिल्कुल आपको कवर्ड देखने को यहाँ पे मिल जाती है। इधर की तरफ देखते हैं तो यहाँ पे वेंटिलेशन के लिए प्रॉपर आपको विंडो देखने को मिल जाता है। साथ साथ में पीछे यूटिलिटी बालकनी आपको दी गई है, जो कि मैं एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको यूटिलिटी बालकनी का स्पेस देखने को मिल जाता है। कैमरामैन जी एक बार हाईलाइट कर दिए। साथ साथ में हाईलाइट कर दीजिए कि ऊपर की तरफ जो जाल वगैरह लगा के बिल्कुल इसको कवर्ड किया गया है, सिक्योर इसको बिल्कुल यहाँ पे किया गया है। पीछे की तरफ यहाँ पे आपको वोटर के लिए यहाँ पे आपको पॉइंट भी देखने को मिल जाएगा। फिर हम देखते हैं इस रूम में जो अटैच वॉशरूम है उसका लुक हम देख लेते हैं। तो आइए कैमरामैन जी एक बार इसमें लुक देख लेते हैं। यहाँ पे एक चीज़ मैं और हाईलाइट करूँगा कि यहाँ पे आपको मिल जाता है कबर्ड्स का जो है यहाँ पे आपको काम अंदर की तरफ मिल जाता है। कबर्ड्स के साथ साथ आप ड्रेसिंग के लिए भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इधर की तरफ आपको मिरर देखने को मिल जाता है। साथ साथ में बहुत अच्छा यहाँ पे डिज़ाइन यहाँ पे किया गया। अगर इसमें अपन देखते हैं तो यहाँ पे जैसे ओपन करते हैं अंदर की तरफ भी आपको लाइटिंग वगैरह देखने को यहाँ पे प्रॉपर मिल जाती है। जैसे आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे लाइट आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पे जलती हुई नजर आएगी। तो ऊपर और नीचे दोनों तरफ पे आपको देखने को मिल जाता है। फिर इधर सामने की तरफ जो अटैच वॉशरूम है उसका लुक एक बार दिखा दीजिए कैमरामैन जी। वॉशरूम की अगर मैं बात करूँ जबरदस्त टाइल्स वगैरह का काम किया गया। साथ साथ में वेंटिलेशन का पूरा प्रॉपर यहाँ पे ध्यान रखा गया है। प्रॉपर आपको वेंटिलेशन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आइए कैमरामैन जी अब अपन देखते हैं। जैसे अपन ने नीचे की तरफ देखा, 2 ड्राइंग एरिया अपन ने देखा जो कि एक बिल्कुल गेस्ट के लिए बिल्कुल सेपरेट आपको देखने को मिल जाता है। दूसरा अगर मैं बात करूँ तो आपको बिल्कुल फैमिली लॉन्च की तरह अंदर की तरफ भी आपको देखने को यहाँ पे मिल जाता है। तो अपन ऊपर की तरफ चलते हैं एक बार कैमरामैन जी, ऊपर की तरफ जो लुक है उसका देख लेते हैं अपन। जैसे यहाँ पे जो है ऊपर की तरफ चलते हैं मार्बल्स का यहाँ पे स्टेयर्स का काम किया गया। साथ साथ में रेलिंग में यहाँ पे ग्लास लगा के बहुत ही ज़बरदस्त लुक यहाँ पे बनाया हुआ है। तो एक बार अपन पहले एक बार मैं आपको बताना भूल गया, एक बार जो नीचे किचन है उसका एक बार मैं लुक आपको दिखा देता हूँ। आइए एक बार कैमरामैन जी इधर की तरफ यहाँ पे हम देखते हैं। तो यहाँ पे आपको यू शेप में यहाँ पे किचन का लुक आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इसमें इनबिल्ड आपको यहाँ पे जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे चूल्हा वगैरह जो है इनबिल्ड आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। साथ साथ में वेंटिलेशन के लिए भी प्रॉपर यहाँ पे विंडो आपको देखने को मिल जाती है, चिमनी वगैरह लगा के यहाँ पे। ये अगर मैं देखूँ इसकी बात तो हाइड्रोलिक आपको यहाँ पे दिया गया है बिल्कुल एकदम बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे लुक आपको देखने को मिल जाता है। सब चीज़ यहाँ पे हाइड्रोलिक यहाँ पे दी गई है। इधर की तरफ देखते हैं तो यहाँ पे आपको किचन के लिए किचन में एक आपको सेपरेट फ्रिज के लिए एक स्पेस मिल जाता है, जो कि बहुत अच्छा स्पेस यहाँ पे दिया गया है। तो आइए कैमरामैन जी ऊपर की तरफ चलते हैं अपन। ऊपर की तरफ आप एक बार लुक दिखाते हुए लेके आइए। जैसे कि मैंने बताया था जो यहाँ पे झूमर का जो लुक है बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे झूमर आपको देखने को मिल जाती है। साथ साथ में इधर की तरफ भी एक बार हाईलाइट करके लेके आइए सीनरी वगैरह का जो काम है वो। फिर हम देखते हैं जैसे ही अपन ऊपर आते हैं तो यहाँ पे आपको एक बहुत अच्छा स्पेस यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जो कि आप फैमिली लॉन्च के लिए बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे डेवलप कर सकते हैं। इधर की तरफ देखते हैं तो यहाँ पे आपको लॉर्ड गणेशा का यहाँ पे बहुत अच्छा एक लुक देखने को मिल जाता है, जो कि ज़बरदस्त लुक यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। सीनरी वगैरह का काम की बात करो तो बहुत ही ज़बरदस्त सीनरी वगैरह का काम भी आपको देखने को यहाँ पे मिल जाता है। हाईलाइट कर दीजिए एक बार कैमरामैन जी। साथ साथ में फॉल सीलिंग का काम भी एक बार दिखा दीजिए, कितना ज़बरदस्त फॉल सीलिंग का काम यहाँ पे किया गया है। ये जो चीज़ है मैं आपको दिखा रहा था यहाँ पे, इसका एक बार लुक दिखा दीजिए कितना ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे ये आपको देखने को मिल जाएगा। तो अपन पहले जो पीछे की तरफ जो रूम बना हुआ उसका लुक देख लेते हैं। पीछे वाला जो रूम है उसमें ज़्यादा मैं कुछ हाईलाइट आपको करूंगा नहीं, क्योंकि सेम जैसे नीचे बना था उसी साइज़ में आपको यहाँ पे रूम देखने को मिल जाता है। डिज़ाइन वगैरह का थोड़ा सा लुक एक बार चारों तरफ से दिखा दीजिए कैमरामैन जी। थोड़ा सा डिज़ाइन यहाँ पे चेंज किया गया है, बाकी लगभग चीज़ें आपको जैसे नीचे आपने देखा वैसे ही आपको देखने को यहाँ पे मिल जाती है।
पीछे की तरफ आपको बालकनी का स्पेस देखने को मिल जाता है, जो कि मैंने जैसे नीचे दिखाया था कवर्ड करके बिल्कुल सेपरेट यहाँ पे किया गया है। इसमें भी आपको अटैच वॉशरूम देखने को मिल जाता है। अटैच वॉशरूम जैसे नीचे मैंने बताया था सेम वैसे ही आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। थोड़ा सा एक बार लुक दिखा दीजिए। कबर्ड्स वगैरह भी आपको यहाँ पे प्रॉपर देखने को मिल जाते हैं ड्रेसिंग वगैरह के लिए भी। फिर हम देखेंगे जो सामने की तरफ जो रूम बना हुआ मास्टर बेडरूम आप इसको बोल सकते हैं, उसकी तरफ अपन बढ़ते हैं वहाँ देखते हैं। उससे पहले मैं एक और चीज़ आपको यहाँ पे हाईलाइट करने वाला हूँ। चूंकि मैंने बताया था फ्रंट का यहाँ पे आपको एडवांटेज मिल जाता है, इसकी वजह से आपको एक बहुत अच्छा स्पेस यहाँ पे देखने को मिल जाता है। स्टडी रूम मान लीजिए या फिर छोटा सा आप ऑफिस बना सकते हैं इसके अंदर। बहुत अच्छा इसमें भी आपको वुडन वगैरह का काम करके बहुत ही ज़बरदस्त काम आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अपनी सेपरेट बिल्कुल एकदम आप ऑफिस यहाँ पे बना सकते हैं, जो कि बहुत अच्छे स्पेस में भी यहाँ पे दिया गया है। साथ साथ में एसी वगैरह का प्रोविजन भी आपको इसमें देखने को मिल जाता है। फिर देखते हैं अपन मास्टर बेडरूम की तरह। मास्टर बेडरूम की अगर साइज़ की बात करूँ तो लगभग 16x15 के आसपास की साइज़ मिल जाती है। बहुत ही अच्छा बड़ा लुक यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। साथ साथ में पीछे की तरफ देखूँ तो डिज़ाइन बहुत ही ज़बरदस्त डिज़ाइन आपको देखने को मिल जाती है बेड के पीछे की तरफ। कबर्ड्स की बात करूँ तो यहाँ पे स्लाइडिंग कबर्ड्स आपको देखने को मिल जाती है। इधर की तरफ कैमरामैन जी दिखा दीजिए, स्लाइडिंग कबर्ड्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। ज़बरदस्त यहाँ पे काम किया गया वुडन का। साथ साथ में फॉल सीलिंग का नज़ारा भी एक बार दिखा दीजिए। फिर यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इधर अटैच वॉशरूम का भी एक बार लुक दिखा दीजिए। अटैच वॉशरूम में आपको कवर्ड देखने को मिल जाता है, साथ साथ में ड्रेसिंग का स्पेस देखने को मिल जाता है और अंदर अटैच वॉशरूम आपको देखने को मिल जाता है। जैसे कि साइज़ की बात करूँ तो बहुत ही अच्छी साइज़ यहाँ पे निकाली गई है। टाइल्स वगैरह का लुक भी बहुत आपको ज़बरदस्त यहाँ पे देखने को मिल जाता है। फिर मैं बात करूँ इधर रूम में जुड़ी हुई चीज़ की, तो यहाँ पे आपको मिल जाता है बहुत अच्छा एक स्पेस, जो कि बालकनी का स्पेस दिया गया है। यहाँ पे प्लांटेशन करके बहुत ही ज़बरदस्त लुक आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अगर मैं साइज़ की बात करूँ तो बालकनी की तो बहुत अच्छी साइज़ यहाँ पे निकाली गई है। सामने की तरफ यहाँ पे टफन ग्लास लगा के बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे लुक आपको देखने को मिल जाता है। तो जैसे कि हमने यहाँ पे देखा 3 बेडरूम हमने देखे, नीचे की तरफ एक देखा, डाइनिंग ड्राइंग देखा, किचन देखा अपने, ऊपर की तरफ एक मास्टर बेडरूम देखा, साथ साथ में एक छोटा सा ऑफिस जैसा स्पेस भी अपन ने देखा। अब अपन ऊपर की तरफ चलते हैं, जहाँ की मैं आपको बता रहा था बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ वहाँ पे बनाई गई है। गार्डन का लुक वहाँ पे दिया गया है। तो आइए कैमरामैन जी एक बार अपन ऊपर की तरफ देख लेते हैं। बहुत ही अच्छा अच्छा एक और चीज़ यहाँ की जो हाइट की अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही अच्छी हाइट लेके इसको यहाँ पे बनाया गया है। फिर जैसे ही अपन ऊपर की तरफ आते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छा एक स्पेस देखने को मिल जाता है। इसके एक एडवांटेज मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आप इसको बिल्कुल कवर्ड कर सकते हैं आप प्लाई वगैरह लगा के। यहाँ पे एसी का प्रोविजन भी आपको इधर की तरफ देखने को मिल जाता है, जिससे कि बिल्कुल कवर्ड करके इसको ज़बरदस्त बना सकते हैं आप। इधर की तरफ छोटे छोटे प्लांटेशन करके बहुत अच्छा लुक यहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाता है। फिर इधर पीछे की तरफ बात करूँ तो यहाँ पे आपको एक बहुत अच्छा स्पेस मिल जाता है, इसमें प्लांटेशन वगैरह यहाँ पे की गई है। साथ साथ में पीछे की तरफ से स्टेयर्स आपको मिल जाती है, जो कि ऊपर जाने के लिए बहुत अच्छा यहाँ पे प्रोविजन है। इधर सामने की तरफ बात करूं तो इधर भी आपको बहुत अच्छा एक स्पेस मिल जाता है, जिसमें कि आप अभी यहाँ पे गार्डन लुक तैयार किया गया था, अभी काम चल रहा है तो थोड़ा सा अभी बाकी है पेंडिंग, बाकी यहाँ पे गार्डन लुक यहाँ पे तैयार किया गया है। इधर की तरफ एक बार दिखा दीजिए, यहाँ आपको ऊपर एक वॉशरूम देखने को मिल जाता है, जो कि आप अगर आप ऊपर बैठे हैं कुछ सिटिंग अरेंजमेंट अगर आप ऊपर कर रहे हैं तो आपको नीचे जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इधर की तरफ भी एक बार दिखा दीजिए कैमरामैन जी, वहाँ पर आपको एक जगह मिल जाती है स्टोर रूम टाइप में। तो जैसा कि हमने देखा यहाँ पे 3 बेडरूम का, साथ साथ में ऊपर की तरफ अपने लुक देखा यहाँ पे, बहुत ही ज़बरदस्त लुक आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। 3 बेडरूम का यहाँ पे बना हुआ है टोटल। अगर मैं इसकी बात करूँ फुली फर्निश्ड की, जैसे ये दिया गया है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक सामान को अगर छोड़ के मैं प्राइस की बात करूँ तो 1,05,00,000 रुपये इसकी प्राइस रखी गई है। साथ साथ में अगर सेमी फर्निश्ड की अगर मैं बात करूँ तो 99 लाख इसकी सेमी फर्निश्ड की प्राइस रखी गई है। अगर मैं बात करूँ साइज़ की, 20x60 में बना हुआ है, 133 वर्ग गज में आपको ये बना हुआ देखने को मिल जाएगा। 4 विला यहाँ पे टोटल बने हुए हैं, 2 विला सोल्ड आउट हो चुके हैं, 2 विला बाकी है। बाकी चीज़ें मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, हमारे सलाहकार के नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, वहाँ जाके आप कॉल कर सकते हैं और अधिक जानकारी ले सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।